नमस्कार दोस्तों, और मैं आपको बुलेट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये बुलेट मैंने आज से 4 साल पहले ख़रीदी थी, 14 फरवरी 2014 को, और मुझे इसे यूज करते हुए 4 साल हो चुके हैं। और मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ कि 4 साल बाद या 4 साल के बाद बुलेट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या होता है, और मार्केट में इसके पार्ट की क्या प्राइस है, इसका मेंटेनेंस चार्ज कितना है, सर्विसिंग कॉस्ट। तो आप सैकड़ों वीडियो देख चुके हैं, लेकिन मैं इसमें आपको रियल सर्विसिंग कॉस्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल निकलेसम ब्लॉग। दोस्तों मैंने बुलेट ली थी, तब इसकी कीमत थी 1,30,000 रुपये। ये मुझे 2014 में पड़ी थी, जिसे मैंने कैश पेमेंट ख़रीदा था। और ये बुलेट कहा जाए तो ओरिजिनल बुलेट है। ये 350 सीसी की है, हालांकि ये 346 सीसी पावर पैदा करती है। ये 20 बीएचपी की गाड़ी है। और बुलेट का एडवांटेज ये है कि ये 350 सीसी की गाड़ी है, फिर भी ढंग से चल नहीं पाती, वो पिकअप बर्न नहीं कर पाती। और दूसरा बात, आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं और आपको टायर मिलता है साइकिल का टायर, इसके आगे पीछे के टायर इतने पतले हैं कि देखने में ही मज़ा नहीं आता। उसके बाद दूसरा, इसका गैप, ये मडगार्ड और इसके बीच का गैप इतना ज़्यादा है, एक देखने में काफ़ी हार्ड लगता है। तीसरा, इसका साइड स्टैंड एकदम ख़राब है, वो हमेशा टूट जाता है, बेंड हो जाता है। और इसकी चेचिस में भी प्रॉब्लम है। इसे हमने टॉप स्पीड दौड़ा के देखा, ये मात्र 120 किलोमीटर की रफ्तार तक दौड़ी, उससे आगे बिल्कुल नहीं दौड़ पा रही है। इसके हेडलाइट में ये कवर लगवाते हैं और ये इंडिकेटर में कवर लगवाते हैं, ये सबसे थर्ड क्लास चीज़ होती है बुलेट के लिए। ये आपको सामने प्रकाश भी कम देती है और आपको इससे सामने का व्यू अच्छा नहीं मिल पाता। और आप गड्ढे अड्ढे में चलते हैं तो दुनिया की कोई भी ऐसी मोटरसाइकिल नहीं है, और आप छत्तीसगढ़ में हैं और आप चला रहे हैं, पर्सनली यूज कर रहे हैं या दोस्तों को दे रहे हैं, कोई भी यूज कर रहा हो, उस बुलेट की साकअप ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल अच्छे से यूज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, 4 साल मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, 3 साल में चारों साकअप ख़राब हो जाते हैं। मेरी इस बुलेट में प्रॉब्लम है, सामने के साकअप ख़राब हो चुके हैं, बार बार इसके आयल सील चेंज करवाता हूँ तब भी वो कट जाते हैं, बार बार आयल फेंकता है। और बुलेट में स्टार्ट करने के बाद वाइब्रेशन इतना होता है दोस्तों कि आपकी पूरी बॉडी में कंपन आ जाता है, चाहे आप इसमें बड़ा हाई हील का हैंडल लगवा लें या कुछ करवा लें, इसकी कंट्रोलिंग ठीक नहीं है। आप इसको 120 की स्पीड से ज़्यादा तो चला ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात, अगर चल भी जाएगी बुलेट तो उतार में ही 120 का माइलोमीटर क्रॉस कर पाएगी। इस गाड़ी में बैटरी प्रॉब्लम है, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और अभी मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है, सेल्फ नहीं उठा पाती, मुझे किक से ही चलाना पड़ रहा है, बैटरी बार बार चार्ज करवाना पड़ता है। और मैंने मैकेनिक को दिखाया तो इसका सब पार्ट्स ओके है, सब चीज़ बढ़िया है, उसके बावजूद ये बार बार ये प्रॉब्लम आती रहती है। और बात करें हम इसके मेंटेनेंस की, तो इसका चैन कवर ओपन है, ओपन होने के कारण डस्ट अस्ट रस्ट बहुत ज़्यादा बैठता है, इसलिए आप, मेरा सजेशन है कि इसमें मैकेनिक के पास जाके कोई भी जला वाला ऑयल मत डलवाएं। टीवीएस का एक लिक्विड स्प्रे आता है, चैन स्प्रे, चैन को साफ़ करें उसके बाद उसको लगाएं। उसके बाद 70-80 की स्पीड में भी आप चलाएंगे तो चैन से आयल बाहर नहीं फेंकेगा, आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। और दूसरी बात है, उबड़ खाबड़ में इस गाड़ी को चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, जिससे राइडिंग का मज़ा नहीं आ पाता। आप लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे तो इसे 3 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यू चला नहीं सकते, आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 38,000 की गाड़ी ले रहे हैं और आपको कंपनी एयर कूल्ड नहीं दे रही है। गाड़ी का इंजन गर्मियों में जल्दी ज़्यादा हीट हो जाता है, इस कारण से आप इसको लॉन्ग ड्राइव में 3 घंटे से ज़्यादा यूज ही नहीं कर पाएंगे। फ्यूल कैपेसिटी इसकी 13 लीटर की है, 13 लीटर से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन आप 13 लीटर मान के चलिए। और रहा सहा इसका आवाज़, क्योंकि ये बुलेट का लो मॉडल है सबसे, जो सबसे कम प्राइस में मिलता है बाकी बुलेट की तुलना में। इससे हाई एंड के मॉडल और बहुत सारे आते हैं, बुलेट स्टैंडर्ड आता है, बुलेट क्लासिक आता है, इसके बाद बुलेट थंडरबर्ड आती है, हिमालय आता है, और भी बहुत सारे गाड़ी हैं। और उसके बाद सबसे बेकार चीज़ ये है
इसका आप रेयर ब्रेक है, बार बार जब आप मारते हैं तो ये ब्रेक कभी चिपक जाता है, जल्दी वापस नहीं आता ब्रेक सुई। इसका घिसता तो लेट से है लेकिन जो ब्रेक का परफॉर्मेंस है काफ़ी थर्ड क्लास है। और मेरा डिस्क ब्रेक में भी प्रॉब्लम आ चुका है, डिस्क ब्रेक का मैकेनिज्म में इसके अंदर फाइबर वाला है या मेटल का होता है। मेटल का होता है तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और फाइबर का होता है तो सस्ता पड़ता है। डिस्क ब्रेक भी मेरा ढंग से काम नहीं कर रहा है। और इसके बाद देखेंगे इसमें एक से एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम गिराना चाहूँ तो काम ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी बुलेट तो बुलेट है, बुलेट चलती है तो दुनिया रास्ता देती है, ऐसा लोगों का मानना है। बुलेट में लोग रुतबे से घूमते हैं लेकिन जो बुलेट चलाता है उसका दर्द वही जानता है। आप बुलेट लीजिए लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ बुलेट का सबसे लो मॉडल सिर्फ और सिर्फ 350 बुलेट भूल के कभी मत खरीदिए। मैंने ख़रीदा है और मैं दुख आज तक पाल रहा हूँ। आज मैं ये गाड़ी में मांगेंगे गाड़ी और मेरी बुलेट को मैं आज तक मात्र 30,000 किलोमीटर चला पाया हूँ इन 4 सालों में। उसके बाद इसका जो बैक रेस्ट होता है यहाँ पे जो होता है ये काफ़ी एकदम थर्ड क्वालिटी के लोहे का उपयोग किया गया है, जो मात्र 2-3 बार मूवमेंट हुआ मैंने उसमें ताकत लगाया। और जब ये गाड़ी नई थी मुझे 2 महीने ही हुए थे, उसके बाद ही से वो टूट गया है। कंपनी से ये कहना चाहूँगा इस ब्रेक रेस्ट को तो कम से कम मोटे लोहे का दे, 12 mm का सरिया से ही बना देता वही ठीक रहता। इतनी थर्ड क्लास ये काम करते हैं इन लोग पैसा बचाने के चक्कर में, गाड़ी का वेट करने के चक्कर में। अब रही बात एवरेज की, तो ये गाड़ी बुलेट की बाकी क्लासिक है, थंडरबर्ड है, उसका वेट रहता है 180 kg। और ये गाड़ी में इस गाड़ी के टायर पतले हैं, रिम भी पतले हैं, कमज़ोर है और गाड़ी का वेट काफ़ी कम है बाकी बुलेट की तुलना में। इसका वेट है सिर्फ और सिर्फ 140 kg क्योंकि इसके टायर भी पतले हैं। आप देख रहे हैं सामने 19 इंच का टायर लगा हुआ है, पीछे 18 इंच के टायर लगे हुए हैं। 18 इंच का टायर लगा है जो ये मडगार्ड और इसके गेप को इतना बढ़ा देता है कि काफ़ी गाड़ी ऑड लगती है। दूसरी बात, आप गाड़ी चलाते हैं तो ये सब चीज़ें आपको नहीं दिखती, गाड़ी बहुत अच्छी रहती है, चलाने में आपको पता नहीं चलता, देखने वालों को पता चलता है इसका और इसका गेप। सस्पेंशन इसका बहुत बेकार है और सस्पेंशन लगभग 3 साल के बाद ख़राब ही हो जाता है। सामने के साकअप में आपको 10,000 किलोमीटर के बाद आयल सील और उसका आयल चेंज करवाना रहता है। मैं प्रॉपरली चेंज करवाता था, 3 से 4 बार मैं चेंज करवा चुका हूँ, उसके बाद भी मेरा समस्या सॉल्व नहीं हो रहा है, आयल सील बार बार कट जाता है। बाकी सब तो ठीक ही है। और दूसरा, इसका सीटिंग अरेंजमेंट इतना बेकार है इस बुलेट का, क्योंकि ये सीट 2 पार्ट में नहीं है, क्लासिक का सीट 2 पार्ट में है। उसमें आप सफ़र करेंगे तो ज़्यादा दूर तक भी चला सकते हैं क्योंकि उसमें फर्स्ट पार्ट के नीचे स्प्रिंग दे दिया गया है। पीछे का पार्ट हालांकि छोटा है, पीछे के लिए ये थोड़ा आरामदायक है, क्लासिक में उतना मज़ेदार नहीं है। और जो भी आप लोग बुलेट लेना चाहते हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आप सिंपल बुलेट ना लें, 350 ना लें, लेना है तो क्लासिक लीजिए या फिर उससे और हाई एंड का जो भी गाड़ी आती है वो लीजिए। रेट डिफरेंस एकदम ज़्यादा भी नहीं है और एकदम कम भी नहीं है। और इसके बाद बात करेंगे इसके बैटरी की। बैटरी वाटर जब इसका गिरता है तो सीधा इंजन में जाता है, अगर आपके बैटरी वाटर का पाइप किसी ने निकाल दिया हो तो, जो एसिड है पूरे इंजन का कलर अलर सब को बर्बाद कर देता है, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर बैटरी से वो जो पाइप निकला रहता है बैटरी एसिड गिराने का, वो अगर है बाहर आपके गाड़ी में लगा हुआ है या उसे कोई चुरा लेता तभी ये प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। वैसे भी कंपनी इसमें ड्राई बैटरी लगा सकती थी। और इसके बाद मेरे बुलेट में एक प्रॉब्लम और है, वो इलेक्ट्रॉनिक संबंधित है। जैसे मैं बुलेट की चाबी ऑन करता हूँ तो डायरेक्ट मेरा पायलट लाइट है जो बुलेट का वो ऑन हो जाता है, पीछे का टेल लाइट ऑन हो जाता है, जबकि मैं स्विच यहाँ से ऑन नहीं करता। उसके बावजूद भी इस प्रॉब्लम को मैंने शोरूम में दिखवाया तो उनके पास कोई तुष्ट करने लायक कोई जवाब ही नहीं था और इसका उन्होंने सही आंसर भी नहीं दे पाए। तो ये है बुलेट के सारे डिसएडवांटेज। और बुलेट एक चीज़ है, 120 की स्पीड जल्दी नहीं पकड़ती, बाकी गाड़ियां जल्दी पकड़ लेती हैं। खैर ये थोड़ी दानव टाइप की गाड़ी है। और उसके बाद आप अगर आपका वेट 90 kg से कम है तो आप यकीन मानिए आप इस बुलेट को आगे डिस्क ब्रेक पीछे रेयर ब्रेक मारेंगे तो भी जल्दी नहीं रोक पाएंगे और आप सामने वाले किसी चीज़ से ज़रूर टकरा सकते हैं। ये इस बुलेट की डिसएडवांटेज है। और बुलेट में आप फटाका फोड़ते हैं
बार बार ये कभी ना करें, उससे बुलेट के इंजन के वाल्व बेंड होने का ज़्यादा खतरा रहता है। और वो एक बार बेंड हो गया, ओरिजिनल आपको शायद ही मिलेगा, शोरूम में ही मिलेगा, और शोरूम में तो जानते हैं आप कैसे लूट मची रॉयल इनफील्ड की, छोटा से छोटा पार्ट्स लेते हैं, ऐसा अनाप शनाप रेट लगा देते हैं कि मत पूछिए। और इसके जो साइलेंसर आते हैं उसमें आवाज़ मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने इसमें पंजाब ढोलकी लगा रखी है। अब दोस्तों आप ही समझदार हैं, आपको बुलेट कौन सी लेनी है, क्या लेनी है, अब आप ही इस पर गौर कीजिए और आप बताइए। बुलेट के बारे में और भी रोचक जानकारी है, इसके सर्विसिंग का कंप्लीट चार्जेस, इसके सर्विसिंग के बारे में और भी जानकारियाँ, और इसके अलावा और भी रोचक जानकारी देखने। इतनी बड़ी बुलेट में ना डिजिटल स्पीडोमीटर है, ना टेम्परेचर मीटर है, ना फ्यूल मीटर है, ना साइड स्टैंड इंडिकेटर दिया हुआ है, और ना ही बुलेट हमें पहले से ही बड़ा हैंडल कभी नहीं देती। बड़ा हैंडल आपको लगवाना पड़ता है जिससे वाइब्रेशन थोड़ा कम होता है। इसके आयल सील भी कट गए हैं जो मैं बार बार बदलवा रहा हूँ, आयल चेंज करवा रहा हूँ, जिस साकअप ख़राब है जिसके कारण ये समस्या बार बार आ रही है। और इसका इंजन का पैकिंग 3 साल के बाद हीट से फट जाता है, और जिसके कारण आप देख रहे हैं आयल निकला हुआ है। और दूसरा, गाड़ी को जब जब हम धोते हैं घर पे, इसमें प्लग केप नहीं दिया हुआ है, दोनों प्लग जहाँ लगते हैं वहाँ पानी भर जाता है। कम से कम पल्सर जैसा तो प्लग केप दिया जाना चाहिए। इसका फुटप्रिंट भी काफ़ी कमज़ोर है जिससे मजबूती का एहसास बिल्कुल नहीं होता। ऊबड़ खाबड़ में चलाने पर ये हिलता है। और ये रहा इसका साइकिल टायर, ये देखिए दोस्तों, बैटरी एसिड जब इंजन के ऊपर गिरता है तो इंजन का ये हाल कर देता है, पूरा चेचिस का ही कलर चुक जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे ध्यान से, हमारी बाइक की चेचिस भी टूटी हुई है। ये इस बाइक के वेट के हिसाब से जो चेचिस बुलेट ने डिज़ाइन की काफ़ी कमज़ोर है। ये सब बुलेट में प्रॉब्लम आती है, सब बुलेट की ये चेचिस टूट ही जाती है। डिस्क ब्रेक इसका उल्टे साइड है, मैंने पता नहीं कितने बार इसके आयल सील चेंज करवाया है, तब भी ये ज़्यादा 10 दिन के बाद ख़राब हो ही जाता है।